छुप आई। कैसे? तो मोजो मैं छुट्टी हूँ। मोजो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंटिंग स्माइल्स। कार्टून चॅनल आणि त्याचे लहान मुलांवर होणारे साईड इफेक्ट याबद्दल आपण ऐकतच असतो, पण या चॅनलचे काही चांगले परिणामसुद्धा मुलांवर होऊ शकतात आणि याबद्दलच मी या व्हिडिओमध्ये आज बोलणार आहे। आम्ही ज्या ग्रामीण भागात राहतो तिथे हिंदी ही भाषा अजिबातच बोलली जात नाही, तरीसुद्धा इवा तिच्या 4 वर्षाच्या वयामध्ये बऱ्यापैकी हिंदी बोलते आणि ते या कार्टून चॅनल्समुळे। नक्कीच ती हिंदी बोलताना काही मराठी शब्द त्यात वापरते आणि तिची वेगळीच डिक्शनरी तयार करते। आणि इवा या हिंदीचं मिंदी कसं बनवते आणि कशी कॉमेडी क्रिएट करते याची एक झलक बघूया। 8 बज गए, चलो स्कूल नहीं जाना है तुम्हें। क्या बोलायचं? ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। और मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। चलो उठो। मुझे सोना है। चलो उठो, स्कूल जाना है। चलो आज संडे है। आज मंडे है। अरे तिची मम्मी तिला उचलत नाही घेत, ती तिला हात पकडून चालत नेते। चलो कौन सा कुत्ता? ये वाला। उसका नाम क्या है? अली तो बोलना कि ये रोमियो है। अच्छा रोमियो, ये रोमियो है तो हमें दो रोमियो चाहिए आपको। दो हमें चाहिए रोमियो। दो दो आज नुसता मस्ती करतोय। आपण दुसरं काहीतरी खेळू। आपण येलो तुम्हाला कुत्ता, मग तू डोरेमॉन म्हणशील। ठीक आहे, मी येणार तुझ्याकडे। मी डोरेमॉन, मी नोबिता असणार आहे ना। ठीक आहे डोरेमॉन। जियानने मुझे काय पिटा जियान बोलतो की आज मी तुम्ही पिटूंगा असे बोलतो। डोरेमॉन क्या मुझे जियान ने बहुत पिटा। तो बोल की इसे मुझे कुछ गैजेट मुझे जल्दी कोई गैजेट दो। अरे आशे वो गैजेट दो, मुझे जल्दी कोई गैजेट दो। मेरे पास ऐसा कोई नहीं गैजेट है। प्लीज ऐसा गैजेट दो कि मैं जियान से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। ठीक है मैं एक ही। हाँ ठीक है। तुम्हें इस कलर का कौन सा वाला गैजेट चाहिए? कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला गैजेट चाहिए? पिंक। ठीक है ये लो। इसका नाम क्या है? शेर। तुम इसको ऐसे घुमाते ही और फिर से लेते ही तुम शेर बन जाओगे और जान उस बहुत डर जाएगा और भाग जाएगा। ये लो जा। ये गैजेट को ऐसे ऊपर फेंकने से क्या होगा? तो ऊपर फेंको और फिर से कैच पकड़ो, इधर बाद साइड में लगाओ, फिर तुम शेर बन जाओगे।
शेर बन जाऊंगा और फिर मैं जहर से बहुत ज्यादा ताकत लो। थैंक यू। अब जाओ और जान को सबक सिखा के आओ। जाओ। थैंक यू डोरेमोन। डोरेमोन क्या मैंने जियान को हरा दिया? वह लिया। अब मुझे ऐसा कोई गैजेट दो जिसे मैं सुनियो को भी सबक सिखाऊंगा प्लीज। इसमें दो शेर है। हाँ तुम सुनियो को भी इस गैजेट से हरा सकते हो। अब मैं इससे सुनियो को सबक सिखाऊंगा इस गैजेट की मदद से। नहीं तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार प्लीज। ठीक है चलो मैं भी साथ आता हूँ। चलो खेलेंगे अब हम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई कैसे? तो मोजो मैं छुट्टी हूँ। मोजो गिनो 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 मैं छुट्टी हूँ। हाँ ठीक है मीठे छुपना। हाँ ठीक है। आठ नौ दस ग्यारह कसा वाटला आमचा हा खेळ? मी कार्टून चॅनलबद्दलच्या एका आर्टिकलमध्ये वाचलेलं की या चॅनल्समुळे मुलांची कल्पनाशक्ती वाढते आणि मुलांना घराबाहेरच्या गोष्टी समजतात। पण या चॅनलचं व्यसन कसं लागणार नाही याची काळजी नक्कीच पालकांनी घ्यायची असते। कार्टून चॅनलचे चांगले परिणाम याच्याबद्दल अजून एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की एकदा मी इवाचा अभ्यास घेत असताना आपल्या हेल्पर्स याबद्दल मी तिला शिकवत होती आणि त्यामध्ये टी सीचा पार्ट आल्यानंतर मी तिला एक्सप्लेन करत होती की टी सी कोण असतो आणि त्याचं काय काम असतं। ते एक्सप्लेन करत असताना तिने मला मध्येच थांबवलं आणि तिने टी सीबद्दल कुठल्या कार्टूनमध्ये बघितलेलं त्या कार्टूनचा पूर्ण एपिसोड मलाच एक्सप्लेन करून सांगितला। अशा अनुभवांवरून कार्टून चॅनलचे चांगले परिणाम होऊ शकतात हे मला जाणवलं आणि तुमच्यासोबत ते शेअर करण्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवला आहे। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्समध्ये सबस्क्राइब करा। बाय बाय।